पाई बाई टू से पाई के बीच में है, जबकि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है। तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार तो नेगेटिव होते हैं। तो उस केस में देखो साइन थीटा 5/13 है, तो कोसेक थीटा जो है कोसेक थीटा तो 13/5 ही होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप बात करो कोस थीटा की तो कोस थीटा होगा माइनस का 12/13, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा इसका -13/12, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/12 और कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी -12/5। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि भाई साइन थीटा या कोस थीटा या किसी भी एक की वैल्यू दे दी और ये मेंशन नहीं किया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको उस क्वेश्चन को दो केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में निगेटिव होता है। तो आप केवल एक वैल्यू देख के ये नहीं बता सकते कि ये उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो जो भी केसेस बनेंगे उन केसेस में आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसके ऊपर। If cos theta is equal to -1/2 and theta belongs to and theta lying between pi to 3π/2, then find the value of 4 tan square theta minus 3 cosec square theta. 4 tan square theta minus 3 cosec square theta. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। cos theta equal to -1/2 हमें गिवन है और थीटा जो है आप देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए cos नेगेटिव दिया गया है यहां पर, ठीक है। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तो ये स्टैंडर्ड एंगल भी होता है, लेकिन अभी आप लोग एलाइड एंगल्स के बाद इसको एक दूसरे तरीके से भी कर पाएंगे। मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है और ये 1/2 आपको गिवन है, तो ये 1 हो गया बेस और ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से √3। ये आप ट्रायंगल एबीसी ऐसे मान सकते हो। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे टेन थीटा और कोसेक थीटा चाहिए और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव और cosec होता है नेगेटिव। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए tan थीटा की जो वैल्यू है वो तो √3 हो जाएगी। tan थीटा विल बी √3/1 यानी कि √3, जबकि cosec थीटा की जो वैल्यू है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये होगी तो वैल्यू 2/√3। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, बल्कि टेन और कोट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस कराएगा। तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई, कोसेक थीटा की वैल्यू भी आ गई। नाउ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec square theta। तो बस वैल्यू पुट करनी है, तो 4 tan square theta तो √3 का square minus 3 cosec square theta मतलब -2/√3 का square। तो 4 into ये वैल्यू 3 होगी, √3 का square minus 3 into 2/√3 का square कितना जाएगा, 4/3, इस 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू होगी 12, तो 12-4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको जो एएसटीसी रूल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या टॉपिक कह लीजिए उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री जब तक चलेगा ऐसा शायद ही कोई दिन जाए जिस दिन इसका यूज ना हो, ऐसा टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो, फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा के लिए आप ऐसे लिख रहे हो माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है ना, या 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा एक्सेट्रा, ऑल दी आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स ऑफ एंगल थीटा। ये सब के सब एंगल थीटा के अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अलाइड एंगल्स का ही सीखना है इसमें, है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें दो रूल हैं। देखो आप इसमें एक तो ये समझो, जीरो 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, या ऐसे कह लो कि पाई का इंटीजर मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, उसको हम एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। और जो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, उनका अलग तरीके से कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो रूल वन क्या है, रूल वन, दो रूल है इसमें, अगर आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ गए तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएंगे। तो रूल वन क्या है, देखो माइनस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा, नो चेंज से क्या मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहेगा, यानी कि साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होगा। हाँ, उसका साइन चेंज हो सकता है, माइनस होगा कि प्लस होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जिस एंगल पे हम ये ऑपरेट कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब साइन साइन रहेगा, अगर आपके ऐसे सामने आता है कि साइन माइनस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सामने इनपुट में ये एंगल होंगे, बल्कि इवन यहां पर एक बात और भी लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू z, तो नो चेंज, तो इसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो समझ दो क्यों ऐसा हो रहा है। देखो पहले तो ये माइनस थीटा के बारे में चर्चा करते हैं, माइनस थीटा वाले जो एंगल, अगर आप ये समझो कि भाई ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, और थीटा जो है, अगर आप इस एंगल को बोल रहे थे थीटा, तो ऑफ कोर्स जब ये एंटी क्लॉकवाइज में था तो थीटा पॉजिटिव था, जब आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया यानी कि यहां पर, तो ये माइनस थीटा बना, ये माइनस थीटा बना, यानी कि माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, अगर आपको पूछा गया कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, यहां पर समझो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जो साइन है तो साइन ही रहा, लेकिन माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगाया मैंने, जबकि जब मैं बात कर रहा हूं कोस ऑफ माइनस थीटा की, तो ये रहेगा तो कोस थीटा ही। अब माइनस थीटा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, यानी कि ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है ना,
तो ये कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का रहेगा। अगर मैं बात करूं कि भाई टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो रहेगा तो ये टेन थीटा ही, लेकिन टेन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होगा। तो ये छह के छह आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना माइनस थीटा के लिए, लिख के लेना, समझ में आ गया होगा, याद रहेगा हमेशा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। तो पहले 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में ही चर्चा करते हैं। देखो 180 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा कई बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर माइनस थीटा जो है, थीटा बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो घूम के वापस आ सकते हैं ना, तब ये रूल लगेगा क्या? यस लगेगा, ठीक है, एकदम लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थीटा कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एंगल हो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब वो आपने माइनस हटा लिया, माइनस बाहर आ गया, तो उस एंगल के साथ कैसे डील करना है वो आपको अभी आने वाले रूल्स में पता चल जाएगा, इवन हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं, तो पहले 180 डिग्री माइनस थीटा को समझ लेते हैं कि जाएगा कहां पर। देखो ये यहां से शुरू करके अगर ये पूरा यहां तक आ जाता तो 180 डिग्री हो जाता, लेकिन माइनस थीटा हो गया, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रुक गया। 180 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रुक गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन ही, साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का रहेगा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात करें, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये रहेगा तो कोस थीटा ही, क्योंकि चेंज नहीं होते इसमें, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होते हैं। और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या बन जाएगा, रहेगा तो टेन थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से बाकी तीन आप लोग लिख लेंगे,